हेलो स्टूडेंट्स, और स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे। तो आज कंटिन्यू करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को। ये अपना लेक्चर 3 है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, और इससे पहले अपन ने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, जिसका 2 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, मैंने अच्छे से आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका, इसके साथ साथ बहुत क्वेश्चन जिसके शॉर्ट ट्रिक सभी सिखा रखे पिछले लेक्चर्स में। तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके आप सबसे पहले उसे देखना। ठीक है, देन आफ्टर आप आके लेक्चर 3 कंटिन्यू करना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, WBZ के लिए बहुत हेल्पफुल चैनल है ये। ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आए तो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। थोड़ा लेंदी होगा आज का क्लास, क्यों? क्योंकि जल्दी से अपन को बहुत एग्जाम पास में आ रहा है ना, अब सिर्फ 1 मंथ ही रह चुका है। तो आप भी मानते हो थोड़ा सा क्लास आपका लेंदी होगा, नियर अबाउट 50 मिनट्स, 1 आवर का भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अच्छे से लेक्चर्स को देखना एंड तक, बिल्कुल स्किप मत करना, एक एक बात अच्छे से सुनना, तभी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बन पाएंगे इजीली। ठीक है, बहुत हेल्प होगा आपका। तो चलिए इस क्वेश्चन से करेंगे आज के क्लास को स्टार्ट। तो आपको कौन सा मेथड सीख रहे थे अपन, ये मत भूलना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अपन ने सीखा था कौन कौन से तरीके होते, तो फॉर्मूला जो पूरे 2 लेक्चर्स में बात कर लिया, अगला था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको सीख रहे हैं। इसके अगला क्या होगा, IBP इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जहां अपन U.V रूल सीखेंगे। ठीक है, और उसका अगला होगा आपका, दैट इज आपका पार्शियल मेथड, जो सबसे लास्ट में सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा सर कैसे पता कैसे चलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, मैंने बोला था ना, अगर आपको फील आ जाए कि इसका एक का दूसरा प्रेजेंट है डिफरेंशिएशन, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सोचना है। सर मैं कोने में जाके ना tan x को t बोलूंगा। अब एक बच्चा बोलेगा सर पिछले क्लास में आपने सिखाया था कि रूट की चीजों को टी मत मानना, क्यों? क्योंकि फायदा नहीं होता ना, tan x को t स्क्वायर बोल देना फायदा होगा, रूट के अंदर एक कॉमन एक बाहर निकल जाएगा, टी स्क्वायर से टी बन जाएगा। अच्छा सर अगली लाइन में आप सर डिफरेंशिएशन भी कर रहे होगे tan x का sec स्क्वायर x, बिल्कुल, और t स्क्वायर का 2t dt। बट सर एक मिनट, मुझे तो सर सिर्फ एक ही sec स्क्वायर x चाहिए ना, क्योंकि एक sec स्क्वायर x को मैं dx बोल dt बना के भेज दूंगा उसको। ठीक है, बट एक और sec स्क्वायर x एक्स्ट्रा है, देखना यहां पर आ गया आपको sec स्क्वायर x, और एक sec स्क्वायर x dx ने अपने आप को 2t dt घोषित कर दिया। ठीक है, 2t dt अपने आप को बोल दिया, और नीचे बेचारा रूट में tan x जिसको अपन ने चिल्ला के टी स्क्वायर बोला था, रूट से ये टी बनता है, वो बाहर निकलेगा। ठीक है, अब एक टी ने तो एक टी को मार दिया, काम खत्म कर दिया। बट यहां डी टी है, तो यहां मुझे एक्स वाली चीज थोड़ी पसंद आएगी, मुझे तो टी वाली चीज पसंद आएगी ना। तो कितने लोग बता देंगे कि सेक स्क्वायर को जिस दिन मन ना उस दिन भगा के tan स्क्वायर एक्स लेके आ जाऊंगा। अरे सेक स्क्वायर एक्स फॉर्मूला सिखाया था ना, PQRST, मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस में tan स्क्वायर एक्स कुछ नहीं होता बल्कि 1 होता है। तो sec स्क्वायर x को बोलो हट जाओ, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, 1+ में tan स्क्वायर x को हम दुनिया में लाएंगे। अच्छा इससे फायदा क्या होगा, और यहाँ पे dt है, 2 बेचारा बाहर चला गया, कांस्टेंट है, कोई औकात नहीं इंटीग्रेशन में। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये क्यों किया? क्योंकि सामने अपन tan x को t स्क्वायर बोल के आ रहे हैं, तो tan x आएगा तो t आएगा, इसलिए अपन ने tan x लाया। अच्छा सर इसलिए लाया, हाँ 2 तो बाहर, ये 1+ में tan स्क्वायर, tan x को t स्क्वायर बोला था, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, t की पावर 4, और यहाँ पे dt चले गए। इसके बाद कर लोगे बिल्कुल, 1 का क्या हो जाएगा t, और t की पावर 4 का क्या हो जाएगा, t की पावर 5/5। आ रही है कहानी समझ में? चलिए मूव करते हैं, और फिर t को सब्स्टिट्यूट करना ना भूलना, और प्लस सी लगाना भी मत भूलना। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे बात करें सर, तो ln का क्वेश्चन है। सर आपने पिछले लेक्चर में ना सिखाया था कि अपन सब्स्टिट्यूशन की बात 3 जगह करेंगे। एक तो सबसे पहले एक्चुअल मेथड डिफरेंशिएशन की फील आते ही मैं सब्स्टिट्यूशन को बुलाऊंगा, दूसरा लॉग के क्वेश्चन में, जब भी लॉग का क्वेश्चन होगा मैं लॉग वाले पार्टी को टी बोल दूंगा। अच्छा सर एक और, 1 डिग्री का डिफरेंस याद आ रहा है, जब भी 1 डिग्री का डिफरेंस मुझे फील आएगा ऊपर और नीचे में, मैं बुलाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड को, क्योंकि मुझे हर बार पता है, पूरे डिफरेंशिएशन में भी मैं सीखा लेकिन देखा नहीं अच्छे से, कि डिफरेंशिएशन करने पर 1 डिग्री घट जाती है और डिफरेंस 1 ही डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहां पर तो लॉग का क्वेश्चन है, और सर ने सिखाया लॉग वाली पार्टी को टी बोलना है, तो मैं कोने में गया और बोला ln gx माइनस में ln fx, तुम टी बन जाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर ने सिखाया यार मेरा कि लॉग के क्वेश्चन में लॉग वाली पार्टी को मैं टी बोलूंगा। अच्छा इससे फायदा क्या होगा, ln gx का अगली लाइन में डिफरेंशिएशन ना 1/gx हो रहा होगा। अच्छा सर एक मिनट, और सर gx का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बिल्कुल, क्या होता है सर gx का, g'x। अच्छा ये gx का g'x, हाँ fx का f'x। अच्छा सर ये तो बहुत, और फिर अंदर का भी, तो अंदर तो x है तो x का 1 हो जाएगा, माइनस में ln fx का 1/fx, और फिर सर fx का भी करोगे क्या सर, हाँ बिल्कुल fx का भी करूंगा, और क्या हो जाएगा f'x।
ठीक है, इज इक्वल टू टी बेचारा डी टी बन जाएगा। दिख रहा है आपको, एक सेकंड में चेक कर लू, हाँ दिख रहा है। इधर अब मैं लिख देता हूं, इस साइड लिख देता हूं, ठीक है। कितने लोगों को पता है जी एक्स और एफ एक्स आ गया तो दुनिया में इनकी होगी मल्टीप्लाई, एफ एक्स इंटू जी एक्स होगी मल्टीप्लाई। बिल्कुल सर, ऊपर ऊपर से क्या बच जाएगा, ऊपर ऊपर से बचेगा एफ एक्स इंटू में जी डैस एक्स, और माइनस का सर जी चलेगा यहां पे एफ डैस एक्स इंटू में जी एक्स। ध्यान से देखना कहीं ये वाली पार्टी डी टी तो नहीं है। हाँ सर यही तो दिया हुआ है। अरे ध्यान से देखो, यही चीज तो ये दिया हुआ है ना, तो ये तो सर कुछ नहीं लिखा है, ये वाला लिखा है आपको, इसको टी बोलते हैं, बगल वाला डी टी बन जा रहा है, तो ये तो सर सिंपल सा टी इंटू में डी टी लिखा है। और हर बच्चे को, बिल्कुल दिमाग से कमजोर बच्चे को भी मैंने सिखा दिया कि टी डी टी का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता बल्कि टी स्क्वायर अपॉन में टू होता है, और टी को फिर से रिप्लेस भी करेंगे। हाँ वो करना बिल्कुल मत बोलना, ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट, जल्दी से अपन बात भी करेंगे, मैं आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ सिखा दूंगा इंटीग्रेशन। आप टी डी टी का थोड़ी करने जाऊंगा क्रैश कोर्स में, ठीक है, वो तो आप खुद से करोगे और खुद से सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक। मैं आपको सिर्फ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, कितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने वैरायटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, कैलकुलेशन अब मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अब नोट बना के मैंने बड़े बड़े अक्षरों में एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, सीख लेना। क्या कभी भी बड़ी डिग्री लेकर क्वेश्चन आएगा? अच्छा सर बड़ी डिग्री पॉलिनोमियल का? हाँ डिग्री पॉलिनोमियल में ही होती है ना, ठीक है। तो अगर डिग्री पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल में तो सर आपने सिखा रखा है कि एक डिग्री का डिफरेंस देखते ही मैं सब्स्टिट्यूशन को बुलाऊंगा, फिर ये क्यों? कई बार क्या होगा, एक डिग्री का डिफरेंस नहीं होगा, जैसे इस सवाल में देखना, ठीक है, इस सवाल में देखना, पांच और पांच, ऊपर वाले की डिग्री भी पांच, सर चार है, नहीं नहीं बड़ी डिग्री देखते हैं, ऊपर वाले की डिग्री पांच, नीचे वाले की डिग्री भी पांच, डिग्री तो बराबर है सर, एक डिग्री का डिफरेंस कहां है? तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, वहीं सिखा रहा हूं, वहीं सिखा रहा हूं। कई बार आपको क्या होगा, बड़ी बड़ी डिग्रियां देकर क्वेश्चन पूछेगा, बट डिग्री का डिफरेंस एक नहीं होगा, तो उस टाइम अपन क्या करेंगे ना, सबसे पहले नीचे वाले से, नीचे वाले कहने का मतलब डिनोमिनेटर, मैं उसको नीचे वाला बोलता हूं, ठीक है, ताकि बच्चा क्लिक कर जाए। नीचे वाले से क्या करेंगे, बड़ी डिग्री को कॉमन लेंगे, बड़ी डिग्री को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद जो भी चीज बच जाएगा ना, उसको बोलेंगे तू बेटा टी है, तू बेटा क्या है, टी है। अच्छा अगर इस तरह बोलने से मेरा काम चल गया तो ठीक है, वरना मैं दूसरा अपना पत्ता खोलूंगा और बोलूंगा अब की बार छोटे वाले डिग्री को काम। अरे कई बार बड़ी डिग्री लेने से अगर काम नहीं बना ना, तो अब की बार मैं छोटे लोगों को बुलाऊंगा और छोटी डिग्री कॉमन लूंगा। मैं दोनों वेराइटी का क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन से सीखते हैं, क्वेश्चन तो सब कुछ सिखा देगा। कितने लोगों को पता है बड़ी बड़ी डिग्री दिख गई मुझे, मैं क्या करूंगा, नीचे वाले से बड़ी डिग्री को कॉमन लूंगा। तो ऊपर वाले को तो बोला थोड़े देर के लिए तुम साइलेंट रखो, मुझे अभी नीचे वाला काम करना है, ठीक है। तो कितने लोगों को पता है नीचे तो x की पावर 5 है? हाँ सर x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 को कॉमन खींच लो। हाँ बच्चे ने बोला खींच लो, लेकिन कई बच्चे यहाँ पे x की पावर 5 लिखेगा, नहीं मुझे पावर से बाहर करना है, तो एक्चुअल में 5 का स्क्वायर दैट इज 10 लिखा है, तो x की पावर 10 बाहर निकलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चा मिस्टेक करता है कि वो x की पावर 5 बाहर निकालता है, नहीं मैंने स्क्वायर से ही बाहर निकाल दिया, तो x की पावर 5 का पावर 2 था, तो 5 * 2 10 हो जाता है, तो x की पावर 10 बाहर निकलेगा। अच्छा सर बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो 1 होगा क्योंकि मैंने x की पावर 5 बाहर निकाला है, प्लस में हो जाएगा x अपॉन में x की पावर 5, क्योंकि मैंने निकाला x की पावर 5 है, वो बाहर जाके x की पावर 10 बन गया है, ठीक है, अपॉन में x की पावर 5। कितने लोगों को पता है x की पावर 1 अपॉन में x की पावर 5 कुछ नहीं होगा बल्कि x की पावर -4 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 5, x की पावर -5 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर अभी चल ही रहा है, ठीक है। क्या आपको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 10 की डिवाइड लग जाएगी, अगर 10 की डिवाइड लगेगी तो 5x की पावर 4 चिल्लाता हुआ बोलेगा कि मैं हो गया -6। अच्छा सर प्लस में 4x की पावर 5 बोलेगा मैं हो गया -5, और नीचे नीचे से कहानी चलेगी, एक्स वन प्लस में x की पावर -4 प्लस में x की पावर -5 का होल स्क्वायर। कॉमन निकालने के बाद क्या सिखाया कि जो भी बच जाए, क्या कॉमन निकालने के बाद ये चीज बच रहा है? हाँ सर, तो इसको बोलूंगा कोने में जाऊंगा, और जो बच गया सर ने सिखाया कॉमन लेने के बाद जो भी बच जाएगा ना ऐसे सवाल में अपन उसको टी बोलेंगे। तो अपन x की पावर -5 प्लस में x की पावर -4 प्लस पे 1 पे ज्यादा दिमाग ना लगा के इसको बोलेंगे कि तू बेटा टी बन जा, बन गया ये टी। अगली लाइन में अपन डी टी को खोजते हैं, तो डी टी को खोजने गए तो ये हो गया -5 एक्स की पावर -5 से घटाओगे तो -4 नहीं होता, -6 होता है। आ रही है कहानी समझ में? यहां पे चलेगा -4 एक्स की पावर -5 और 1 तो बेचारे 0 हो जाएगा, ये बन गया डी टी। अगर ध्यान से देखोगे थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो ये ऊपर वाला तो नहीं लिखा है ना, अरे यही तो डी टी है बेचारा, तो अपना काम बन गया। ये ऊपर लिखा है माइनस से बाहर आ गया डी टी, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना, तो माइनस को अपन ने कॉमन ले लिया डी टी, और नीचे वाला पार्टी अपने आप को बोलेगी टी स्क्वायर।
अब कर लोगे इसका इंटीग्रेशन। आया कहानी में मजा? कभी भी बड़ी बड़ी डिग्री देख के अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करोगे, नीचे से क्या करोगे? अगर एक डिग्री का डिफरेंस दिखा तब तो खट से अपन सब्स्टिट्यूशन कुछ काम ही नहीं करेंगे, बट अगर आपको बड़ी डिग्रियां दिखेगी लेकिन डिफरेंस एक नहीं होगा तो करेंगे सब्स्टिट्यूशन, बट क्या कर रहे होंगे, नीचे से बड़ी डिग्री को कॉमन निकालेंगे और फिर जो भी रह जाएगा उसको टी बोल देंगे। अगर इससे काम नहीं बना, जैसे इस सवाल में देखना, याद करके थोड़ी जाएंगे एग्जाम में कि इस क्वेश्चन से बड़ी डिग्री, इस क्वेश्चन से आगे तो अपन बड़ी डिग्री निकाल के कॉमन, तो अगर इससे बड़ी डिग्री निकालोगे तो एक्स की पावर 4 बाहर निकालोगे, खुले में आके वो एक्स की पावर 8 दिखेगा, तब तक यहां हो जाएगा 1 प्लस में एक्स की पावर 4 माइनस 3, ठीक है आ रहा है, प्लस में एक्स की पावर माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है सर, और ऊपर है आपको 3x की पावर 4 माइनस में 1, तो इंटीग्रेशन में ये ऊपर डिवाइड लगने के बाद दिखेगा 3x की पावर माइनस 4 माइनस में एक्स की पावर माइनस 8 अपॉन में आपको दिखेगा एक्स की पावर माइनस 4 प्लस में एक्स की पावर माइनस 3 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब सर ने सिखाया जो बचेगा उसको टी बोलूंगा, तो इसको अपन क्या बोल रहा हूं, टी बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये बना एक्स की पावर माइनस 4 प्लस में एक्स की पावर माइनस 3 प्लस का 1, इसको मैंने टी बोल दिया, बोल दो क्योंकि जो बचेगा उसको टी बोलूंगा ना, हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये दिखेगा आपको माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 5 माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी। कहां दिया है सर ये ऊपर ऐसा दिख ही नहीं रहा मुझे, माइनस एक्स की पावर 4 एक्स की पावर माइनस 5 कहां दिख रहा है, मैंने बड़ी डिग्री ली ना, काम नहीं बना ना, तो अब की बार कहानी में ट्विस्ट लाऊंगा और नीचे से छोटी डिग्री को कॉमन लूंगा, ठीक है। छोटा डिग्री कॉमन ले लोगे, सॉल्व कर लोगे, दिखा देता हूं। छोटा डिग्री निकालना मतलब एक्स या वन, एक्स को, ठीक है, लेकिन सर एक्स की पावर 0 है ना छोटा, उसको इग्नोर करना है, ठीक है, एक्स की पावर 1। तो अगर अपन ने एक्स को कॉमन लिया नीचे से तो खुले में आके एक्स का स्क्वायर दिखेगा, तो मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, बिल्कुल सर बिल्कुल, ठीक है। यहां पे क्या रह जाएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन में एक्स, एक्स क्यूब रह जाएगा, एक्स क्यूब रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस में एक्स को तो मैंने बाहर ही निकाल दिया तो प्लस में 1 हो गया, प्लस में 1 से अगर एक्स कॉमन ले लू तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ठीक। ऊपर ऊपर क्या दिख रहा है आपको, 3x की पावर 4 माइनस 1, 3x की पावर 4 माइनस 1, अब मार दो डिवाइड, अगर मैंने डिवाइड मारा तो ये ऊपर दिखेगा 3x स्क्वायर माइनस में x की पावर माइनस 2 अपॉन में यहां से x क्यूब प्लस में 1 प्लस में x की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब कितने लोग इसको t बोलेंगे, क्योंकि बचे हुए को t बोलना है, चाहे बड़ी डिग्री कॉमन लो चाहे छोटी डिग्री, जो भी रह जाएगा उसको क्या बोलेंगे, t। तो x क्यूब प्लस में 1 प्लस में x की पावर माइनस 1 को अगर अपन t बोले तो देखना x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, बिल्कुल सर। अच्छा, प्लस x की पावर माइनस 1 का माइनस 1 x की पावर माइनस 2 होता है, और 1 का तो 0 इज इक्वल टू dt, क्या यही चीज ऊपर लिखी हुई है, बिल्कुल सर। तो ऊपर वाला बन गया dt और नीचे वाला बन गया t का स्क्वायर, अप कर लोगे तो आया। तो कहानी में बस एक ही ट्विस्ट है कि अगर बड़ी डिग्री से काम नहीं चल निकलेगा ना तो मैं छोटी डिग्री को कॉमन निकालूंगा, आ रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस सवाल को देखते हैं। तो कुछ आसान क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे क्या आपको एक डिग्री का डिफरेंस दिख गया, हाँ, इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 2, तो अगर डिग्री का डिफरेंस 1 है तो कुछ सोचना ही नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो यहां पे जाना है कोने में और एक्स स्क्वायर को क्या बोलना है, टी, ठीक है। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर को टी बोला तो अगली लाइन में 2x dx क्या बन जाएगा, 2x dx बन जाएगा dt, आ रहा है मजा, 2x dx क्या बन गया, dt। तो देखना सर 2x तो है ही नहीं, हाँ, तो 2 ये उधर जाएगा तो dt by 2 हो जाएगा, तो 1 upon 2 सामने आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और x dx ने अपने आप को क्या बोल दिया, dt, और यहां पे लिखा है sin x स्क्वायर जिसको अपन ने t बोला था, तो ये हो गया sin t, तो ये दिख जाएगा sin t into में dt। अब sin t का इंटीग्रेशन तो हर किसी को पता है, cos t या minus cos t, minus cos t सर, क्योंकि नाम का अंत c से हो रहा है, ठीक है, sin t इंटीग्रेशन करने के बाद c से हो रहा है, तो cos t का minus cos t हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे होगे, अब देखो मैंने आपको सिखाया था एक डिग्री का डिफरेंस है क्या, नहीं नहीं 3 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे सर कुछ दिमाग लग ही नहीं रहा, तो अगर कुछ भी दिमाग ना लग रहा हो ना, तो मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि रूट की चीजों को ना टी स्क्वायर बोल दो, रूट में जो भी होगा उसको एक बार टी स्क्वायर बोल के देखो, कहीं आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा कुछ भी यहाँ पे फंडा काम ही नहीं कर रहा था, तो मैंने एक काम किया, ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब को बोल दिया कि तुम टी स्क्वायर बन जाओ, ठीक है, मैंने रूट की चीजों को टी स्क्वायर मान लिया। अच्छा सर, ए क्यूब का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यहां पे दिखेगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है, मतलब कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, ठीक। अच्छा सर, मुझे तो सिर्फ x स्क्वायर की जरूरत है, x स्क्वायर dt बनने के लिए रेडी है, बट यहां पे सर x क्यूब एक्स्ट्रा दे रहा है,
तो वो 10 वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको याद है, देखना ये वाला क्वेश्चन, मुझे एक ही sec square x की जरूरत थी, एक sec square x एक्स्ट्रा था तो मैंने उसको भी रिप्लेस किया जो माना था उसका यूज करके, ठीक है। मैंने sec square x को तुरंत tan में बदल दिया, वो कभी भी बदल सकता है, और फिर मैंने tan की जगह t, क्यों tan को ही तो t बोल के आया था ना, वही काम सर यहाँ पे भी करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल वही काम, x cube ही तो बच रहा है ना, और x cube तो मैंने माना हुआ है, a cube plus x cube is equal to t square, तो कितने लोगों को पता चल गया x cube तो कुछ नहीं है बेचारा, मेरा t square minus में a cube है, ठीक है। अरे x cube कुछ नहीं है, x cube तो अपना t square minus a cube है, हाँ तो सर एक बच रहा था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, और x square फिर बचेगा, x square तो कब से dt बनने के लिए परेशान है, तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू में टी इंटू में डी टी, ठीक है। अब कितने लोगों को पता है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूं, इस साइड सॉल्व कर देता हूं, ये 2/3 बाहर होगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन के अंदर टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई टी से बन जाएगा टी क्यूब डी टी, ठीक है। अच्छा माइनस में 2/3 ए क्यूब को मल्टीप्लाई होगी, ए क्यूब भी बता रहा है कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो रखता हूं ए क्यूब और क्या बन जाएगा ए क्यूब टी, ठीक है। अब कर लोगे इंटीग्रेशन, टी क्यूब का क्या हो जाएगा टी की पावर 4/4, और a cube t का क्या हो जाएगा, a cube बाहर निकल जाएगा constant, तो t का क्या हो जाएगा t square by 2, कर लोगे और फिर substitute कर देना उस according, ठीक है। तो अच्छे सवाल थे, दो छोटे सवाल थे, WBCA में एक marks में पूछ सकता है ऐसे सवाल, तो confusion बिल्कुल ना रखना। इस question में क्या एक degree का difference substitution, इसमें कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, रूट में कभी भी चीजें देखो तो टी स्क्वायर बोल के आओ, ठीक है। तो मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिखाते जा रहा हूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अचानक से आपके एग्जाम में पूछ दे तो आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, आपको सीखना पड़ेगा, दिमाग से सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ऐसे क्वेश्चंस आप क्लिक कर पाओगे, ठीक है। बच्चे ने दिमाग लगाया यहाँ 3M है और यहाँ 2M है, एक डिग्री का डिफरेंस तो सर नहीं है, एक डिग्री का डिफरेंस नहीं है, बट एक बच्चा बोलता है सर मैं जिस दिन चाहूंगा ना 3M को 3M-1 लिख दूंगा, उससे क्या फायदा होगा, 3M-1 लिखने के लिए मुझे यहां से एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। अच्छा अगर एक्स यहां से कॉमन लिया और उस एक्स को इधर दे दिया, इधर मल्टीप्लाई कर, तो ये x की पावर 3m-1 बनने के लिए तैयार है, और अगर x की पावर 3m-1 बनेगा तो x बाहर निकलेगा एक x, और अगर उस x की मल्टीप्लाई गलती से मैंने इससे कर दी ना तो ये 2m बेचारा 3m बन जाएगा। अरे सोचो x की पावर 2m में x की मल्टीप्लाई, मतलब x की पावर 2m इंटू x की पावर 1, और दोनों पावर पावर जुट जाते हैं, ठीक है, तो 2m और m कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने काम क्या किया यहां से, मैंने काम इतना सा किया कि इससे मैंने बाहर ले लिया क्या x की पावर m बाहर ले लिया, मैंने x की पावर m को क्या किया बाहर ले लिया, तो ये बन जाएगा 3m-1, सॉरी मुझे यहां पे 3m-1 बनाना था, तो x बाहर लूंगा, ठीक है x बाहर लूंगा क्योंकि 3m-1 बनाना है, ठीक है 2m नहीं बनाना, 3m-1 बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया x बाहर ले लिया और इस x की मल्टीप्लाई इससे कर दी, तो कितने लोगों को पता है जब x अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो x नहीं होगा, x की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि पावर 1/m लगा हुआ है, वो m अगर पावर मल्टीप्लाई करोगे x की पावर m, ऊपर 1/m लिखा हुआ है तो m इंटू 1/m 1 हो जाता है, ठीक है। तो इससे जिस दिन मल्टीप्लाई होगी x की पावर m मल्टीप्लाई होगी, क्यों 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 सर, अरे क्योंकि पावर 1/m है ना वो कैंसिल कर देगा, x मल्टीप्लाई करोगे तो तुमने निकाला x और मल्टीप्लाई कर दी x की पावर 1/m से, कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए मैं x बाहर निकाला, तो जैसे ही x बाहर निकाला इसने अपने आप को x की पावर 3m-1 बोल दिया, इसने अपने आप को x की पावर 2m-1 बोल दिया, और इस बेचारे ने अपने आप को x की पावर m-1 बोल दिया, ठीक है। तो ये दिमाग वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, आपको सोचना है क्या बाहर निकालो, किस चीज से मल्टीप्लाई करो जिससे एक डिग्री का डिफरेंस बन जाए, मेरा मेन टारगेट वही है, ठीक है मेरा मेन टारगेट वही है। अब जैसे मैंने x की पावर m से मल्टीप्लाई की, ये हो गया 2x की पावर 3m, ठीक है, और ये हो गया 3x की पावर 2m, ठीक, और ये भी बेचारों को मिल गया, तो ये बन गया 6x की पावर m, आया कहानी में समझ में, और ये 1/m तो चल ही रहा। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसकी पावर 3m, इसकी पावर 3m-1 एक का डिफरेंस, इसका 2m, इसका 2m-1 एक का डिफरेंस, इसका m, इसका m-1, जो मेरा जो मैं चाह रहा था वही हो गया एक डिग्री का डिफरेंस। अब मैं बड़े वाले को t बोलता हूं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंसिएशन के बाद डिग्रियां घट जाती है, तो इस पूरी पार्टी को मैं बोलूंगा t, और कितने लोगों को पता चल जाएगा ये बन जाएगा dt। तो पूरी कहानी में लिखा है t की पावर 1/m, ठीक है 1/m इंटू डीटी, तो हर बच्चे को टी की पावर 1/m का आएगा इंटीग्रेशन, बिल्कुल सर टी की पावर 1/m + 1, और जो पावर होती है वो अपन नीचे चिपकाते हैं 1/m + 1, + में सी लगाना, तो मैं भूलूंगा नहीं सर,
और फिर टी को सब्सिट्यूट भी कर लेना, टी को ये भयानक सा चीज जो एज्यूम किया था ना, इसको एज्यूम भी रख देना, पुट कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मजा आया आपको, सोचने का सिखाया कि नहीं आपको, मजा आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और अपने दोस्तों को भी ये इंजॉयमेंट, ये मजा दे देना ये क्वेश्चन का, तो प्लीज शेयर कर देना उनके साथ, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो लिखा है सर एक्स अपॉन ई, उसका बगल में अपोजिट है, तो अगर मैं एक्स अपॉन ई को गलती से टी बोलता हूं तो उसकी बगल वाली पार्टी वन अपॉन टी बन जाएगी। तो मैं बोल देता हूं अगर मैंने एक्स अपॉन ई को टी बोला तो एक्स अपॉन ई का डिफरेंशिएशन करेंगे, वन अपॉन ई तो कॉन्स्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, वन अपॉन में ई। अच्छा अगर एक्स अपॉन ई को टी बोला तो टी की पावर एक्स होगा, तो टी में अभी भी एक्स रहेगा, तो एक काम करेंगे पूरी पार्टी को अपन टी बोलेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा सर, ये तो सर फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, और फंक्शन के ऊपर फंक्शन का जब जब अपन को डिफरेंशिएशन करना है अपन लोगों को बुलाते हैं। तो यहां से अगर लोगों को बुलाओगे डिफरेंशिएशन करोगे, तो मैं करके लिख देता हूं, ये काम मैंने बहुत बार कराया, यहां पे लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स बाई ई, और इधर से हो जाएगा आपको लॉग टी, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे तो क्या आएगा, मैं लिख देता हूं आपको दिखेगा, dx is equal to dt upon में t into lnx, मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया, कैसे किया log लेकर, जब भी फंक्शन के माथे पे फंक्शन होता है अपन लोगों को बुलाते हैं, log लेते हैं, ये सभी चीज डिफरेंशिएशन में मैंने आपको अच्छे से सिखाया हुआ, ठीक है। तो अब रिप्लेस करने का बारी आया, x upon e की पावर x को क्या बोला था t, तो ये t हो गया, प्लस में e की पावर e upon में x की पावर x क्या हो जाएगा, 1 upon t, क्योंकि जो ये लिखा था उसका अपोजिट था, इसलिए तो अपन ने इसको t अज्यूम किया, ठीक है। अच्छा और ln x यहां पे है, और dx को मैं जब रिप्लेस कर रहा हूं तो ये होगा dt upon में t into ln x, ठीक है। ln x से ln x खत्म हो जाएगा, और कितने लोगों को पता है 1 upon t की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 1 upon t into 1 upon t क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 1 upon t की मल्टीप्लाई 1 upon t से हो जाएगा 1 upon में t square, अब इसका तो कर ही लोगे इंटीग्रेशन, ठीक है, आ रहा है कहानी में समझ। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में एक और वैरायटी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर टाइप क्वेश्चन, इस पे बात करें, चलिए मूव करेंगे इस पे। तो ऐसे क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है, जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस दिख गया आपको, यहां पे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिख गया, तो अपन तुरंत सोच जाएंगे किसका क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में सर करेंगे क्या, सबसे पहले तो ई से एल एन हटा के थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं, ई से एल एन हटा दिया, ठीक है। जैसे ही ई से एल एन हटाया, इस क्वेश्चन ने अपने आप को चेंज करके इसकी फोटो चेंज हो गई और हो गई वन वन प्लस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे हुआ आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस ऊपर वाले से एक सवाल पूछेंगे, ठीक है, इससे बस एक सवाल पूछेंगे। कौन सा क्वेश्चन सर, क्या पूछेंगे इससे, इससे पूछ रहे होंगे कि तुम बताओ कि तुम किसके डेरिवेटिव हो, क्या पूछ रहे होंगे कि तुम किसके डेरिवेटिव हो। कैसे पता करते हैं सर कौन किसका डेरिवेटिव है, अरे डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं वन प्लस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर को, ये जल्दी से बाहर निकलेगा और वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स। तो ये जवाब देगा कि मैं एक्स माइनस में वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हूं, ठीक है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हूं, ठीक है, इसने जवाब दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो इसने जवाब दिया कि मैं इस चीज का डेरिवेटिव हूं, वही चीज एज इट इज नीचे क्रिएट करूंगा, मतलब मैं नीचे जाऊंगा वन प्लस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर से, तो मैंने सवाल पूछ लिया, उसने जवाब भी दे दिया कि मैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का क्या हूं, डेरिवेटिव हूं। अब मैं एज इट इज नीचे एक्स माइनस में वन अपॉन एक्स क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, कितने लोग पता है यहां स्क्वायर ही स्क्वायर छाया था, इसलिए मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने किया क्या, मैंने किया प्लस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या मैं घटा दूं माइनस में वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, मैंने घटा दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, प्लस में टू ए बी, दैट इज टू इंटू में एक्स इंटू में वन अपॉन एक्स, ये तो आपको एक्स और एक्स कैंसिल होके, अब मैंने माइनस टू किया तो मैं प्लस टू करके बैलेंस कर देता हूं, ठीक है। और कुछ यहां पे दिया हुआ भी था, नहीं बिल्कुल नहीं दिया, और यहां पे दिया हुआ था प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, कितने लोगों को दिख गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आपको दिखेगा इंटीग्रेशन में वन प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आपको हो जाएगा एक्स माइनस में वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में टू अगर पास में स्क्वायर है ना, तो इसको भी किसी का स्क्वायर बना दिया जाता है। अब कितने लोग सोच जाएंगे, अगर ये काम क्यों किया, ये काम इसलिए किया कि ऊपर वाले को अपन, सॉरी नीचे वाले को अपन, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन था ना, तो नीचे वाले को टी, और जनरली भी सिखाया था कि जो डीएक्स के पास नहीं होगा इसी को टी बोलते, तो डीएक्स के पास है तो इसको टी थोड़ी बोलेंगे, तो ये बन जाएगा आपको डी टी। तो पूरी कहानी में आपको दिखेगी डी टी अपॉन में टी का स्क्वायर
प्लस में रूट टू का होल स्क्वायर। फोटो मैच करेंगे, अगर इसकी फोटो मैच करेंगे तो डीएक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है, जिसका इंटीग्रेशन वन अपॉन में ए, दैट इज वन अपॉन में रूट टू टैन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, तो एक्स क्या है टी और ए क्या है रूट टू, फिर टी को सब्सिट्यूट करेंगे ना सर? हाँ बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बस एक ही काम करना है आपको, क्या ऊपर वाले से सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है? कि तुम किसके डिफरेंशिएशन हो, वो जवाब देगा। उसने जवाब दिया मैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हूं, तो मैंने चुपचाप यहां पे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर चिपका दिया। होल स्क्वायर क्यों किया सर? क्योंकि फोटो में नीचे खाली स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा था, इसलिए मैंने होल स्क्वायर किया। अब मैंने क्या क्या खुद से लगाया उसको बैलेंस भी तो करूंगा ना, तो मैं जो पता चला मैं प्लस में इसको खोलोगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में टू, तो मैंने वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर अपने तरफ से जोड़ा घटा दिया, प्लस में टू किया सॉरी माइनस में टू किया तो प्लस का टू करके बैलेंस कर दिया, और एक प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर उसने भी दिया था तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। आई कहानी समझ में? फिर जिस काम के लिए किया वो तो काम कर दू ना, नीचे वाले को टी बोलूंगा ऊपर वाला बन जाएगा डी टी। तो कई बार सब्स्टिट्यूशन आपको ऐसे करना होता है। तो सब्स्टिट्यूशन में कितने वैरायटी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, मैं आपको दिखा देता हूं। ये भी क्वेश्चन कितने लोगों को दिख गया कि अगर x की डिवाइड मार दोगे यहाँ पे और इससे एक्स स्क्वायर कॉमन खींच लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वन, ठीक है, अपॉन में एक्स तो यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर को कॉमन खींच लेते हैं तो यहाँ पे दिखेगा एक्स क्यूब, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन खींचा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सर ये चालाकी इसलिए किए क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपका बनाना एम था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे यही बनाना एम था, ठीक है। अगर एक्स क्यूब की इससे डिवाइड मार दोगे तो ये दिखेगा आपको, सॉरी एक बच्चे बोला कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर सर अगर बाहर निकालोगे तो रूट के अंदर से निकल के तो खाली एक्स निकलेगा ना। हाँ ये अभी सिखाया था और अभी मैं भूल गया, कैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो रूट से एक्स स्क्वायर निकलते हैं एक्स हो जाएगा, तो एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होगी, एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दो क्या ये वन हो जाएगा, वन प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर पूरी कहानी क्या चलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सर ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप क्वेश्चन है, इस टाइम क्या करते हैं इससे पूछते हैं सवाल, ठीक है, क्या कि तुम किसके डेरिवेटिव हो, ये देगा जवाब। क्या जवाब देगा? ठीक है कि मैं किसका डिफरेंशिएशन हूं, मैं x माइनस वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हूं। ये कैसे पता करते हैं? इंटीग्रेशन मार के, ठीक है। तो अपन चुपचाप नीचे क्या क्रिएट कर देंगे, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज प्रीवियस जैसा, फिर फोटो मैच कर लेंगे। कर लोगे ये क्वेश्चन? बिल्कुल सर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन, अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का एक ही इलाज होता है, रेशनलाइज। जब भी रूट का क्वेश्चन देखो जिसमें ऊपर भी हो ए बाई बी हो, रूट में ए बाई बी, तो इसका एक ही इलाज होता है, क्या? रेशनलाइज। कर लोगे रेशनलाइज? ठीक है, मैं दिखा देता हूं, रेशनलाइज करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में, और रेशनलाइज कैसे करते हैं, यहां पे x माइनस वन अपॉन में x प्लस में वन, तो रेशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा x माइनस में वन अपॉन में x माइनस में वन, ठीक है। दिख जाएगा आपको ऊपर ऊपर तो हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर, वो बाहर निकल जाएगा x माइनस वन बन जाएगा, और नीचे नीचे रूट में क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं सेपरेट कर दूंगा, क्यों? क्योंकि एक डिग्री का डिफरेंस दिख गया मुझे, एक डिग्री का डिफरेंस देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ एक डिग्री का डिफरेंस देखते हैं, मैं सेपरेट कर दूंगा। कहां से कहां तक सेपरेट करूंगा? ये वाला पार्टी, क्योंकि यहीं तक एक का डिफरेंस है ना, तो मैंने यहां पे सेपरेट किया, तो इसको लिख दिया एक्स अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और माइनस का वन अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तब तक इसने तो फोटो मैच करा लिया, ये बेचारा तो फोटो मैच कराएगा और बोलेगा मैं तो dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हूं, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन हो जाता है ln 1 अपॉन में a, और चूंकि a 1 ही है तो ln x प्लस में यही, दैट इज रूट में x स्क्वायर माइनस 1। सोचो फॉर्मूला कितना आसान है, छोटा रूट दिखेगा तो छोटे ln खुलेंगे, ln x प्लस में यही, ठीक है। तब तक इसका जिस काम के लिए किया था, एक डिग्री का डिफरेंस, ठीक है, तो इसको बोल रहा हूंगा टी, इसको ये बन जाएगा बेचारा डी टी, और आंसर हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में वन प्लस में एल एन एक्स प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में वन, ठीक है। अब देखना ऐसे क्वेश्चन का, ये कुछ मैं यहाँ पे तरीका लिख के लाया हूं, क्या है, एक्स डी एक्स अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमेशा एक डिग्री का डिफरेंस है, एक डिग्री का डिफरेंस, ठीक है। इसका आंसर हर बार नीचे वाला हो जाता है, रूट में एक्स स्क्वायर, देखो ना यहाँ पे हो गया ना नीचे वाला आंसर, एक्स अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, आंसर रूट में एक्स स्क्वायर, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे इसको। और एक्चुअल तरीका क्या है, इसको टी बोलोगे ऊपर वाला डी टी बन जाएगा, आ रही है कहानी समझ में? आंसर हमेशा नीचे वाला होगा, बस एक्स के साइन पे ध्यान रखना, यहाँ एक्स का साइन प्लस सामने प्लस, यहाँ एक्स का साइन प्लस सामने प्लस, यहाँ एक्स का साइन माइनस इसलिए सामने माइनस,
लेकिन हर बार आंसर क्या हो रहा होगा, नीचे वाला। आया समझ में? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इलाज रेशनलाइज, मैं यहां पे सिर्फ लिख देता हूं रेशनलाइज, अभी अभी ये क्वेश्चन करके लाया। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, डू योर सेल्फ, ठीक है, डू योर सेल्फ का क्वेश्चन ही हो गया, खुद से आप अटेम्प्ट करोगे इसको और आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। प्रॉब्लम होता है तो मुझे कॉन्टेक्ट करके क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। रूट में एवाईवी का इलाज हमेशा याद रखोगे क्या, रेशनलाइज करेंगे अपन, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं एफ एक्स की पावर जी एक्स टाइप क्वेश्चन से बात करते हैं। सिंपल सा लाइन में लिखा है आंसर हमेशा एफ एक्स की पावर जी एक्स होगा, और एक्चुअल तरीका क्या है, इसको टी मानोगे। एक्चुअल तरीका है कि एफ एक्स की पावर जी एक्स को टी मानोगे, इसको क्या मानोगे, टी मानोगे, और जैसे इसको टी मानोगे बगल वाला डी टी बन जाएगा। तो इसका आंसर हमेशा हो रहा होगा जिसको टी मानोगे, दैट इज साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, इसका यही आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, इसको जैसे टी बोलोगे ये ऊपर ये बगल वाला डी टी बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देना, इसको टी बोलोगे, ठीक है, इसको टी बोलोगे तो पूरी पार्टी आपको डी टी बन जाएगी। तो पूरी पार्टी डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी, और टी अपन ने जिसको एज्यूम किया था वही आंसर होगा। तो ये बहुत सिंपल है, एफ एक्स की पावर जी एक्स यही आंसर हो जाता है, तो ये ट्रिक भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं साइन टू एक्स बेस्ड क्वेश्चन। अब साइन टू एक्स दो जगह लगा सकता है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर उसने साइन टू एक्स को ऊपर चिपकाया, मतलब न्यूमरेटर में चिपकाया, तो क्या क्या कहानियां चलेंगी मैंने यहां पे लिख दिया। अगर नीचे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स साथ में दिख गए डिनोमिनेटर में, तो तरीका बस एक ही है, नीचे वाले को टी मान लो। बस सिंपल सा तरीका है, नीचे वाले को क्या मान लोगे, टी। ऐसे ढेर सारे सवाल देख लो, सबका इलाज क्या है, नीचे वाले को टी। कोई एक क्वेश्चन उठाता हूं उसको करके दिखा देता हूं, इस क्वेश्चन को पकड़ता हूं, इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो क्या ये ऊपर साइन टू एक्स है और नीचे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स दिख गया, तो इलाज सिर्फ एक ही, नीचे वाले को क्या बोलोगे, टी बोलोगे। तो मैं वेराइटीज आपको दिखाते जा रहा हूं, क्या करना है तरीका भी बता दे रहा हूं। मैंने ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को टी मानने वाला था, तब तक एक बच्चे ने बोला सर रूट के अंदर है, और आप ही ने सिखाया कि रूट के अंदर चीजों को टी ना मान के क्या मानना है, टी स्क्वायर, ताकि अपना काम बन जाए। तो इसको अपन ने टी स्क्वायर बोल दिया। अब जैसे ही बोला अगली लाइन में डिफ्रेंशिएशन मार रहा हूंगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा सबसे पहले पावर का तो टू साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस। डिफरेंशिएशन है, नाम के शुरू में सी होता है तब माइनस लगता है, प्लस में बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा सबसे पहले पावर का तो टू कॉस एक्स, ठीक है। देखना कितना अच्छे से डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, फिर कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स या माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, क्योंकि नाम के शुरू में सी है, ठीक है। तो यहां पर माइनस कर देते हैं, यहां पर अपन माइनस लिख देते हैं, ठीक है, तो यहां पे माइनस कर दिया, और इधर क्या कहानी चल रही होगी, टू टी डी टी। आया बात समझ में? अब देखना यहां पे ये हो गया ए स्क्वायर टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन टू एक्स, आया मजा आपको। माइनस में बी स्क्वायर, ये भी तो सर लिखा है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये भी हो जाएगा साइन टू एक्स, हाँ बिल्कुल, इज इक्वल टू में टू टी डी टी, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बोला सर साइन टू एक्स ही बिखरा पड़ा है, तो इसको कॉमन खींच लेते हैं, यहां पे बन गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टी डी टी। तो कितने लोगों को दिख गया कि अगर मैं नीचे टी बोलूंगा तो ऊपर वाला साइन टू एक्स अपने आप को हटाकर लिखवा देगा टू टी डी टी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरी कहानी दिखेगी इंटीग्रेशन में, नीचे तो टी स्क्वायर बोला था जो रूट के अंदर से टी दिख जाता है, रूट टी में अपन फंसते हैं इसीलिए टी स्क्वायर मानते हैं ताकि टी बन जाए, ठीक है। और नीचे वाली ऊपर वाली पार्टी क्या हो जाएगी, टू टी डी टी, ठीक है, इंटू में नीचे क्या हो जाएगा आपको रूट में, सॉरी रूट में नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर लोगे इंटीग्रेशन, बिल्कुल आसान है, टी से तो टी कैंसिल हो गया, ये सभी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो ये आसान है। तो इलाज अगर साइन टू एक्स बेस्ट क्वेश्चन में साइन टू एक्स ऊपर रहा और नीचे आपको साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स साथ में भी दिख गए, तो इलाज बस एक ही है, नीचे वाले को पकड़ो टी बोल दो। अगर गलती से भी रूट के अंदर है तो टी नहीं टी स्क्वायर बोलो, ठीक है। अब मजा तब आएगा जब ये नीचे आ जाए, साइन टू एक्स नीचे आ जाए। अगर साइन टू एक्स नीचे आ गया तो दो तरीके से साइन टू एक्स को लिखेंगे, ये सभी याद करना है बिल्कुल अच्छे से, ये सभी तरीका और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन याद करना है, प्रैक्टिस करना है, तब जाके एग्जाम में जल्दी से कर पाओगे। जैसे ही साइन टू एक्स का क्वेश्चन देखा दिमाग को खटक जाएगा, ऊपर की नीचे थोड़ा चेक कर लेना, ऊपर है तो सर ने सिखाया नीचे को टी बोल देना है, नीचे है तो सर सिखाने जा रहे हैं कि दो तरीके से लिखो, कौन कौन सा तरीका देख लो, कि अगर ऊपर प्लस है तो साइन टू एक्स को लिखो वन माइनस में, वन माइनस में साइन टू एक्स, कितने लोगों को पता फर्क ही नहीं पड़ा, वन से वन कैंसिल होकर साइन टू एक्स ही होगा। लेकिन अगर ऊपर माइनस है तो नीचे वाले साइन टू एक्स को वन प्लस साइन टू एक्स माइनस वन, देखो क्वेश्चन से देखते हैं क्वेश्चन सिखा देगा,
ऊपर प्लस देखने तो आता है ना, आंख ही देख के बता देगा, आंख ने देखा और पता चला ऊपर तो प्लस है। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे वाले साइन टू एक्स को हटाएंगे और क्या लिख रहे होंगे, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को लिख देता हूं तब तक, इसको हटाया। और अगर ऊपर प्लस है तो लिख रहा हूं वन माइनस में साइन टू एक्स, ठीक है। और अगर ऊपर माइनस होता तो यहां पे लिखता वन प्लस में वन माइनस साइन टू एक्स। आ रही है कहानी समझ में? अगर ऊपर माइनस होता तो लिख रहा होता वन प्लस साइन टू एक्स माइनस वन, यहां प्लस से शुरुआत करता, और अगर ऊपर प्लस होता तो शुरुआत माइनस से करता, उल्टा, जस्ट उल्टा, ठीक है। अब देखना, अब क्या कर रहा हूं, अब मैं साइन टू एक्स को चेंज कर रहा हूं, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का हमेशा याद रखना कि डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ठीक है। तो साइन टू एक्स का फॉर्मूला हर किसी को पता है कि कुछ नहीं होता, बल्कि होता है आप वन माइनस में साइन टू एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन एक्स, और यहां माइनस है तो यहां भी माइनस, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये सिखाया था और बोला था वो चार फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करने का तरीका भी सिखा दिया था आपको, ठीक है। तो वन माइनस साइन टू एक्स को हटाओगे सर? हाँ बिल्कुल हटाएंगे, क्योंकि ऊपर लिखा है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ठीक है। तो मैं नीचे लिख दूंगा रूट में वन माइनस में वन माइनस साइन टू एक्स को बोला तुम हट जाओ, और क्या हो जाओ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब कितने लोगों को पता चल गया कि अगर ये टी है ना, अगर ये टी है तो ऊपर वाला डी टी है, क्यों? क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, तो ठीक है। तो ऊपर वाले को लिखा डी टी, नीचे वाला हो गया आपको रूट में वन माइनस में टी स्क्वायर ऑफ फोटो मैच, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, फोटो मैच, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सामने कॉन्स्टेंट घट जाता है रूट में तो क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, दैट इज टी, टी बाई ए, ठीक है। प्लस में से बोला था ना, सामने शुरू में अगर घट गया, शुरू में कांस्टेंट घट गया तो सासे शुरू सासे साइन, साइन इनवर्स आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। कितने लोगों को दिख गया साइन टू एक्स डिनोमिनेटर में, है साइन टू एक्स डिनोमिनेटर में बट ऊपर प्लस है, तो अब की बार ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा बट नीचे अलग तरीके से लिखेंगे साइन टू एक्स को, देखना कैसे लिख रहे होंगे। नाइन प्लस में सिक्सटीन, ऊपर प्लस है ना तो शुरुआत माइनस से कर देंगे, लिखेंगे वन माइनस में, एक सेकंड, सेम ही क्वेश्चन तो नहीं पकड़ लिया, हाँ ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब सेम नहीं है, चेंजेस है, मतलब वैरायटी सेम ही है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख रहे होंगे, शुरू प्लस से हुआ तो अपन शुरू माइनस से, ऊपर प्लस देखा तो शुरू माइनस से करेंगे, वन माइनस में साइन टू एक्स, फिर अपन को पता ही है क्या करना है, इसको रिप्लेस कर लेना है, ऊपर वाला टी कर लोगे, डू योर सेल्फ, ठीक है, डू योर सेल्फ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी भी कराया ना ये क्वेश्चन, एज इट इज इसी जैसा सॉल्व होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये क्वेश्चन पे, ठीक है। एक बार देख लूं कितने देर का क्लास हो गया, तो 37 मिनट का, अभी मैं 10 मिनट और क्लास लूंगा। आप अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंटीग्रेशन में cos x अपॉन में sin 2x, सर नीचे sin 2x है बट ऊपर कुछ भी घटा जुटा नहीं है, अरे ध्यान से देखना, यहां sin 2x था तो ऊपर sin x plus cos x था, ठीक है। और सर ऊपर वाले को ही देख के तो अपन cos 2x की sin 2x की फोटो चेंज करते हैं ना, ऊपर प्लस तो शुरुआत माइनस से करते हैं, ऊपर माइनस तो शुरुआत प्लस से करते हैं साइन टू एक्स को, बट आज के दिन तो सर ऊपर को झूठा घटा ही नहीं है, तो खुद से कर लो ना, खुद से कर लो, क्या सर साइन एक्स को जोड़ लें खुद से, हाँ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख लो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख लो, सर ये जोड़ा तो घटा के बैलेंस भी करेंगे ना, तब तक ये साइन एक्स चिल्ला देगा क्या कि मुझे भी कॉस एक्स चाहिए, तो मुझे में भी कॉस एक्स जोड़ो, तो एक और कॉस एक्स मैंने जोड़ दिया, तो ये कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स मैंने दो बार जोड़ दिया तो 1/2 कर दूंगा, मजे की बात ये थी, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। कॉस एक्स था अकेला बेचारा, हर बार मैं देख रहा हूं ऊपर वाला जुटेगा तभी तो साइन टू एक्स की फोटो उसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगा ना, बट ऊपर तो कुछ जुटा ही नहीं था, तो कॉस एक्स में साइन एक्स मैंने खुद से जोड़ दिया, साइन एक्स खुद को घटा दिया। अब ये साइन एक्स जिस दिन अकेला होगा बोलेगा मुझ में भी तो कॉस एक्स चाहिए ना, तो मैंने फिर से प्लस कॉस एक्स कर दिया, चूंकि मैं कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू कॉस एक्स हो गया, बट सवाल में खाली एक कॉस एक्स था इसलिए मैंने 1/2 की डिवाइड मार दी। आया कहानी समझ में? नहीं आया तो ध्यान से सीखना पड़ेगा, ये सभी अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में अगर पूछ दिया और आपने अगर किया नहीं है ना तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे रूट में साइन टू एक्स। कितने लोगों को पता चल गया, आप सर जी अगले लाइन में आप सेपरेट मार रहे होगे, कहां से कहां तक, ये वाला, क्या अगर इसको सेपरेट करोगे तो साइन टू एक्स को कैसे लिखोगे, ऊपर प्लस तो शुरुआत करेंगे वन माइनस में साइन टू एक्स, ठीक है। फिर इसको सेपरेट करोगे सर आप, हाँ बिल्कुल इसको सेपरेट कर रहा हूं, तो इसको सेपरेट करोगे तो यहां प्लस नहीं दिखेगा, माइनस को कॉमन लोगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो ऊपर माइनस तो इसको लिख रहे होंगे वन प्लस में साइन टू एक्स माइनस वन, कर लोगे, बिल्कुल सर, तो डू योर सेल्फ, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया,
मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ठीक है कि कैसे सोचना है। कई बार आपको ऊपर प्लस माइनस करके नहीं देगा, तो आपको खुद से करना है। जो चीज नहीं देता है मैं लिमिट चैप्टर से बताते आ रहा हूं, अगर जरूरत है तो मैं खुद से करूंगा फिर बैलेंस करने के लिए, अगर घटाने से बैलेंस हो रहा है तो घटाऊंगा, डिवाइड करने से हो रहा है डिवाइड करूंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का शायद, हाँ लास्ट ही टॉपिक है। इंटीग्रेशन में dx अपॉन में a sin x plus b cos x, मतलब sin x cos x जुड़े हैं उनके कुछ कॉफिशियंट है, तो ये फॉर्मूला 1 अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ln tan के अंदर, ये सभी चीजें याद कर लेना, इसको कोई तरीका नहीं है मेरे पास याद करने का, इतना बड़ा फॉर्मूला ये याद कर लेना। नहीं हो रहा है याद तो एक्चुअल तरीका क्या है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इस क्वेश्चन से बात करना है। क्या ऐसा ही है a sin x plus b cos x, अरे यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा ही है तो मैंने क्या सिखाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए कहीं वन तो नहीं है, हाँ सर, बी कहीं वन तो नहीं है, हाँ, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, ये तो आपको रूट टू हो जाएगा। तो मैंने आपको सिखाया dx अपॉन में, ठीक है, रूट टू की मल्टीप्लाई और रूट टू की डिवाइड, ठीक है, तो इसको लिखेंगे रूट टू बाई रूट टू साइन एक्स, ठीक है, माइनस में रूट टू बाई रूट टू कॉस एक्स। ठीक है, कितने लोगों को पता है रूट टू तो कुछ नहीं होता, लेकिन वन अपॉन रूट टू कुछ होता है, क्या, साइन पाई बाई फोर। तो रूट टू को तो मैंने बोला बेटा तुम बाहर निकल जाओ क्योंकि तुम्हारा कोई काम नहीं है, बट एक वन अपॉन रूट टू को मैं बोलूंगा कि तुम अपनी फोटो बदल लो और हो जाओ साइन पाई बाई फोर। क्यों 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 साइन पाई बाई फोर हो जाओ, अच्छा ये साइन के पास है ना, तो मैं इसको कॉस पाई बाई फोर करता हूं क्योंकि कॉस पाई बाई फोर भी वन अपॉन रूट टू होता है। मजा देखना क्यों ऐसा कर रहे हैं, अभी पता चलेगा। ये हो जाएगा कॉस पाई बाई फोर, ठीक है, पास में साइन एक्स है, ठीक, माइनस में ये भी वन अपॉन रूट टू, तो इसको लिख देंगे साइन पाई बाई फोर। क्यों सर, इसको कॉस पाई बाई फोर तो इसको साइन पाई बाई फोर क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। क्या ये लिखा है, कॉस ए इंटू साइन बी माइनस में साइन ए इंटू कॉस बी लिखा है, तो ये तो सर कुछ नहीं है बल्कि वन अपॉन में रूट टू, सर ये तो लिखा है डीएक्स अपॉन में साइन ए माइनस बी, और ए क्या है आपको पाई बाई फोर, बी क्या है आपको एक्स, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी होता है माइनस में, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है आपको, होता है साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, यही होता है ना। तो जो एंगल शुरू में साइन के पास होगा, शुरू में साइन के पास क्या है एक्स है, तो आपको ए एक्स होगा, ये भी चीज दिमाग में रखना होता है। माइनस में फिर बी क्या होगा, जो शुरू में कॉस के पास होगा पाई बाई फोर, तो एक्स माइनस पाई बाई फोर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, अरे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है ना, तो ये हो गया कोसेक एक्स माइनस पाई बाई फोर। और हर बच्चे को कोसेक का इंटीग्रेशन तो पता ही है, कोसेक एक्स का क्या होता है, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन सर ने क्या सिखाया है, कोसेक एक्स का सिखाया है आपको कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का, ठीक है, माइनस कोसेक एक्स, तो इसको सिखाया था एलएन मॉड के अंदर कोसेक एक्स, और एक्स क्या है एक्स माइनस पाई बाई फोर माइनस में कॉट एक्स, और कॉट क्या है आपको एक्स माइनस में पाई बाई फोर। ठीक है, आया मजा, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए रूट में, सॉरी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन ही किए हैं और आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये आप उस वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हो जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया ना, ये वाला फॉर्मूला, बट सर इसमें टैन दिखेगा, हाँ, तो कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो टैन के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, टैन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, वो आपको शायद बताया नहीं है लेकिन होता है। ठीक है, मैं बताना उस टाइम मिस कर गया था, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दो लेक्चर और आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आएगा, देन फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे मूव कर जाएंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डब्ल्यूबीजेई के लिए। ठीक है, तो मैं कुछ भी पढ़ाऊं नहीं, वो चैप्टर जरूर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा सिखा दूंगा ताकि डब्ल्यूबीजेई में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैनल पे पहली बार हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कर देना ताकि वो भी देखें, उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।